जो 2331 dear nation of the set A, is equal to 1234. Full stop. The relation R is A part hai, a function. Part है transitive, C part है non symmetric, और D part है reflexive. ठीक है, अब देखिएगा ये हमको दे रखा है, इसमें देखिएगा कि आर रिलेशन जो है वो दे रखा है 1342242331. अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने इसको इस तरीके से बना लिया कि यहाँ पर है 1423, इस तरीके से दे रखा है, यहाँ लिखेंगे 1424223 दे रखा है ना, 1234 लिखेंगे, 1234. A किस किस से रिलेटेड है, 3 2 4 3 1, यानी कि A इधर भी A ही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 के अलावा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा इधर. अब ये 1 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, ठीक है. उसके बाद 4 2 से रिलेटेड है, ये 4 जो है ये 2 से रिलेटेड है, फिर जो ये 2 है ये 2 4 से रिलेटेड है, फिर जो ये 2 है ये जो 2 है ये 2 3 से रिलेटेड है, 2 4 2 3 ये दे रखा है, और 3 जो है ये 1 से रिलेटेड है, ठीक है. सबसे पहले वो कह रहे हैं द रिलेशन आर इज अ फंक्शन, ठीक है. तो पहली चीज तो ये तो हटा दो कि फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन में यहाँ का एक एलिमेंट 2 से रिलेट नहीं करता. फंक्शन 1 1 होता है या मैनी 1 होता है, 1 many नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो फंक्शन तो नहीं है. उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है. ट्रांजिटिव से पहले जरा रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है बताओ. अरे रिफ्लेक्सिव है तो फिर 1 1 2 2 3 3 4 4 वो होना चाहिए था, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, हटा दिया, ठीक है. अच्छा, अब जरा सिमेट्रिक भी देख लेते हैं, हम तो सीक्वेंस देखते हैं ना पहले, रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक फिर ट्रांजिटिव. सिमेट्रिक देख लेते हैं, 1 3 है 3 1 है, 4 2 है 2 4 है, ठीक है. फिर 2 4 है तो 4 2 है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, समझ गए, 2 नॉट सिमेट्रिक. ये हो गया ट्रांजिटिव मैट्रिक्स का, और कौन सा हो सकता है, ठीक है. देखो ना भाई, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, मिल गया. 2 4 2 है तो 2 4 होना चाहिए, मिल गया. 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, मिल गया. 2 3 है लेकिन 3 2 किधर है, सिमेट्रिक नहीं है. ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है ये वाला क्वेश्चन. कार्तिक, दिव्यांशी, अश्विका, वत्सल, ठीक है. चलिए जी आगे देखते हैं, सिर्फ एक ओके ओके एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा. और वॉलीबॉल प्लेयर सर्व्स द बॉल
वॉलीबॉल प्लेयर सर्व्स द बॉल विच टेक्स अ पैराबोलिक पाथ which takes a parabolic path given by the equation xt is equal to Is HT a continuous function? Second part is find the time at which function. तो सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या वो जो HT है क्या वो continuous function है या नहीं है. तो continuous तो होगा, ठीक है. जो भी polynomial function होता है वो हमेशा continuous होता है, ठीक है. अच्छा, अब एक काम करना है हमको कि हम अगर इसको continuous दिखाना चाहेंगे तो हम इसको कोई वाला LHL, RHL है ना, वो सब कुछ लेकर हम वो करके दिखा सकते हैं, ठीक है. लेकिन आप बस एक लाइन में लिखिएगा कितने नंबर का क्वेश्चन है. दो नंबर का है ना, बस पे लिखेंगे पॉलीनोमियल फंक्शन. फर्स्ट वाला कितने का, एक नंबर का है ना. बस पे सिर्फ ये लिखेंगे पॉलीनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है. तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया. सेकंड वाले की बात करते हैं. एट द टाइम एट विच द हाइट ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम. तो हाइट ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे एफ एक्स होता था तो एफ एक्स ना होकर एच, एफ की जगह तो एच है और एक्स की जगह टी है. तो क्या करना है, वही प्रोसीजर फॉलो करना है कि ये जो एच टी है equal to 7 upon 2 t square plus 13 upon 2 t plus 1. This is the first derivative h dash t. So 7 upon 2 will remain as it is, or t square ka differential ho jayega 2t plus 13 upon 2 will remain as it is, or t ka ho jayega 1 aur 1 is constant hai, iska ho jayega 0. Khatam hua. 2 se 2 cancel out ho gaya, to h dash t is equal to ho gaya 7 t plus 13 upon 2, 70 plus 13 upon 2, ठीक है. अच्छा, इसके बाद क्या है कि हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है यहाँ से. पक्का यही तरह कर, ये माइनस 7 upon 2 t square तो नहीं है, क्योंकि इधर ना कुछ ऐसा लग रहा है. ये माइनस 7 upon 2 है वैसे, देखा आपने है ना, ये इसके आगे ना हल्का सा माइनस लगा हुआ है, ये देखो, ठीक है. तो माइनस सेवन अपॉइंट टू है,
माइनस सेवन पॉइंट टू माइनस और ये माइनस। अब हमें क्या करना है, देखो एच डैश टी इज इक्वल टू जीरो, एच डैश टी इज इक्वल टू जीरो तो क्या हो गया माइनस सेवन टी प्लस थर्टीन पॉइंट टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस सेवन टी इज इक्वल टू माइनस थर्टीन पॉइंट टू, नेगेटिव से नेगेटिव कर दिया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई थर्टीन अपॉन फोर्टीन, थर्टीन अपॉन फोर्टीन सेकेंड आ गया आंसर। तो इसका यही होगा है ना, आंसर तो यही होगा क्योंकि जब भी हम कोई क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं ना तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखकर निकालते हैं। उसके बाद वो फाइंड द टाइम एट विच द हाइट ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम, तो आप इसको मैक्सिमम हाइट होगी इस पॉइंट पर होगी वो चीज़ प्रूव कर दीजिए। कैसे करेंगे, डबल डेरिवेटिव एच डबल डैश टी, ये जो एच डैश टी है जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस सेवन हो गया ना, माइनस सेवन यहाँ लिख दीजिए एच डैश एच डबल डैश और टी की जगह लिख दीजिए थर्टीन अपॉन फोर, ये भी माइनस सेवन, यहाँ लिखिएगा लेस देन जीरो, लेस देन जीरो आपने लिख दिया। हम क्या मेंशन करेंगे यहाँ पर कि देयरफॉर हाइट इज लेस देन जीरो का मतलब डबल डेरिवेटिव जब लेस देन जीरो आता है वो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, हाइट इज मैक्सिमम एट t is equal to 13 upon 4 seconds, ठीक है t is equal to 13 upon 4 seconds, तो हमारी जो हाइट है वो मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पर, ठीक है। और कोई बताओ, यही करा था का होगा,
वहाँ दो नंबर पे ही है। अच्छा 4 e की पावर 3x है ये ना, तो बीच में सबट्रैक्शन का साइन है तो इनको कोई बात ही नहीं है। sin 2x को तो अलग इंटीग्रेट करो, sin sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos, ये तो हो गया माइनस cos 2x, फिर 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे 2 आ जाएगा तो उससे डिवाइड करना है, हो गया ठीक। इसके बाद माइनस और ये 4 है तो रहा अब e की पावर 3x का इंटीग्रल e की पावर 3x, 3x को फर्दर डिफरेंशिएट डिवाइड क्या? नसी। मैंने इसकी कार्ड गलत बोल रही थी। हाँ? मैं गलत बोल रही थी। नहीं, वो गलत बोल रही है। वो गलत है। हमारा सही है। हाँ, वो देखी रही थी तो वो गलत बोलती है। तुमने क्या कर रखा है? नहीं क्या? नहीं क्या लिख रखा है? ऐसे करना करना है कुछ? अरे ऐसे ही करना भाई। बोल देना उनको। और बताओ। बस यही था। ओके। चलिए। अब आप बताओ कौन सा था?